हेलो फ्रेंड्स, हेल्दी टिप्स और ट्रिक्स से भरपूर इस वीडियो में बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूँ रंजना सिंह राठौर। हर रोज मैं आपके लिए कुछ टिप्स लेकर हाजिर होती हूँ जो बाद में मैं आपको कहती हूँ कि आप इस्तेमाल जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइए। लगातार आपके मिल रहे कमेंट्स के बाद एक बार फिर से कुछ खास टिप्स लेकर मैं आपके बीच में हाजिर हूँ। लेकिन टिप्स का इस्तेमाल कीजिए और अगर आपको जानना है कि कितने फायदेमंद हो सकते हैं, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। देखिए, सबसे पहले टिप नंबर वन, अगर आपको हद से ज्यादा आपके बाल झड़ते हैं और खासतौर पर जैसे ही सर्दियां शुरू होती हैं डैंड्रफ का इशू हो जाता है, बाल बहुत झड़ने लगते हैं, बहुत फ्रिजी हो जाते हैं, कि बालों से संबंधित तमाम समस्याएं हैं, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। एक छोटा सा इंग्रेडिएंट, देखिए सौंफ हम सभी के घर में मौजूद होती है। सौंफ को रोजाना खाइए और फिर देखिए कितने तंदुरुस्त आपके बाल हो जाते हैं। टिप नंबर टू, मसालादार जो खाना होता है अक्सर उससे कई समस्या होती है, स्किन रिलेटेड इश्यूज आपको होते हैं, आपका स्टमक अपसेट हो जाता है, इसके अलावा भी कई अन्य समस्याएं आपको होती है। लेकिन सबसे ज्यादा जो मेजर इश्यू है वो है सूजन का, आपके पेट में सूजन का ये बड़ा कारण बन सकता है। ऐसे में आपको कुछ नहीं करना है, एक ग्लास छाछ आपको नियमित तौर पर पीनी है और इससे कोई भी दर्द है, कोई भी तकलीफ है खासतौर पर सूजन को लेकर, उससे आपको राहत मिलती है। क्योंकि बाय डिफॉल्ट इन नेचर जो बटर मिल्क होता है वो ठंडा होता है। हालांकि सर्दियों में बहुत ज्यादा मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगी कि छाछ पिए, लेकिन दिन में एक बार एक ग्लास छाछ आप जरूर पिए। क्योंकि अक्सर होता है कि हम लोग की लाइफस्टाइल इतनी ज्यादा हेक्टिक हो गई है कि एट द एंड ऑफ द डे हमें कुछ बहुत ही ज्यादा चटपटा खाने का मन करता है, क्रेविंग्स जो है हमारी वो नेवर एंडिंग है। ऐसे में चटपटा खाइए, मसालेदार खाइए, लेकिन उसको बैलेंस जरूर कीजिए एक ग्लास छाछ के साथ। टिप नंबर थ्री, जहां पर एलोवेरा जेल की हम बात करेंगे, देखिए एलोवेरा इज समथिंग जो मल्टीपर्पज है, न सिर्फ आपके बालों को, आपके स्किन को, बल्कि अंदरूनी तौर पर भी आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है। इसलिए घर में हो सके तो एक एलोवेरा का प्लांट जरूर रखिए, और नहीं भी है तो पड़ोस से लेकर आने में तो हम माहिर हैं ही। तो एलोवेरा को कुछ नहीं करना, चेहरे पर आप लगाइए और सिर्फ एक बर्फ के टुकड़े को उसके ऊपर जरूर मसाज कीजिए, इससे जो उसका बेनिफिट होता है वो दोगुना हो जाता है। 20 मिनट के लिए आप इसको रखिए और फिर धो दीजिए, फिर देखिए सुनहरा चमकदार चेहरा आपको मिल जाएगा। तो